आम की कई तरीके की चटनी देखी है, लेकिन ये वाली चटनी थोड़ी सी अलग है। खट्टी, चटपटी, तीखी, चटकारेदार आम की चटनी बनाते हैं। ये चटनी खाते टाइम आपको जरूर सब्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आम का सीजन है और आम की चटनी ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे मैंने गैस पे एक जाली रख दी है रोस्ट करने के लिए। एक मीडियम साइज का आम लिया है, आम को मैं रोस्ट कर लूँगी यहाँ पे। आम को रोस्ट करने के पहले मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया था और करीबन एक घंटे के लिए इसको पानी में भिगा के रखा था ताकि इसकी जो गर्मी है वो सारी की सारी निकल जाए। फिर मैंने लिए थोड़ी सी गार्लिक, 3 हरी मिर्च और एक छोटा सा प्याज लिया है। आम का सीज़न हो तब आम को ज़रूर से ज़रूर डाइट में ऐड करना चाहिए, क्योंकि आम में अच्छा खासा विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, मिनरल्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें बहुत ही भरपूर मात्रा में होती है। अब इस स्टेज पे आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे गूगल में पढ़ते पढ़ते बोल रही हूँ। अनियन के बेनिफिट्स पता है क्या है? अनियन में अच्छा खासा विटामिन सी, कोलेजन और बहुत ही अच्छा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। और हाँ, गार्लिक को भी डाइट में ऐड करना अच्छा होता है, क्योंकि ये हार्ट के लिए काफी बेनिफिशियल है और इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ग्रीन चिलीज में भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी सब कुछ होता है। तो बेनिफिट्स बताते बताते यहाँ पे गार्लिक जो है वो अच्छा खासा रोस्ट हो गया था, तो मैंने गार्लिक को एक एक करके यहाँ से निकाल लिया। हरी मिर्च भी अच्छी खासी रोस्ट हो गई थी तो हरी मिर्च को भी निकाल लिया और अनियन को भी मैंने यहाँ पे निकाल लिया। तो यहाँ पे आम भी अच्छा खासा रोस्ट हो गया है। आम को कंप्लीट ब्लैक होने तक रोस्ट करना है। फिर हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से ठंडा होने देना है। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे एक एक करके पील करेंगे। अगर ये गर्म होगा और आप इसे डायरेक्टली पील करोगे तो इसका जो ऊपर का स्किन है या ऊपर का लेयर है वो इजीली नहीं निकलेगा और ना ही आपको पकड़ने के लिए जमेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होगा। तो इसे सबसे पहले ठंडा करना है और ठंडा करोगे तो इजीली इसकी स्किन जो है ऊपर का लेयर है वो अच्छे से निकल जाएगा। अब आम तो अच्छे से पील हो गया है, अब हम अनियन को पील करेंगे। अनियन तो बहुत ही ज़्यादा इजीली पील हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ना आप जब भून के कुछ बनाते हो तो बहुत ही टेस्टी लगती है। अनियन के बाद हम गार्लिक को पील करेंगे और ये पील भी है ना बहुत ही इजीली हो जाएगा। अब हम आम को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। आम ना भूनने के बाद बहुत ही इजीली कट हो जाता है। कट करते टाइम ध्यान से कट कीजिए और जो इसमें गुठली निकलेगी वो गुठली को आपको फेंक देना है। बाकी सारे आम को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। आम के बाद प्याज जो है उसे भी कट कर लेना है। उसे मैंने यहाँ पे 4 टुकड़ों में चॉप कर दिया है। फिर हरी मिर्च जो थी उसे हमने पील नहीं किया है, उसे भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। गार्लिक को भी हमें 2 टुकड़ों में कट कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। फिर हमें एक ओखली लेनी है। ओखली में हम पहले आम डालेंगे, फिर अनियन, फिर मिर्ची और गार्लिक, ये सारी चीज़ें हम ओखली में डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे धनिया। धनिया यहाँ पे मैंने धो के पहले से ही साफ़ करके रखा हुआ था। फिर हम ऐड करेंगे पुदीना और थोड़ा सा नमक। पुदीना को भी अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से कूट लेना है। हमें इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, बट हमें इसको कोर्सली कूटना है। किसी भी चटनी को जब आप कूट के खाते हो ना उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और अगर भुना हुआ चीज़ हो तो वो तो फिर सोने पर सुहागा। तो यहाँ पे जो चटनी है वो मैंने अच्छी खासी कूट ली है और ये रेडी हो गई है। रेडी होने के बाद ये कुछ इस तरीके की दिखेगी, काफ़ी अच्छी दिखती है। अगर घर में किसी दिन सब्जी ना बनी हो और ये चटनी और रोटी खाने का मन करे बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये चटनी को हमने अलग दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आज के लिए इतना ही, बाय।